आज हम सीखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट को किस तरीके से निकाला जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए, जो कि आपको आसानी से याद होंगे, सारे सारे याद होने चाहिए। तो फिर अभी आपको स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालना है, अभी देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट लेनी है। यूनिट डिजिट लेने के बाद में आपको इनके 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर के बीच में चेक करना है कि किस किस के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 है। तो फिर यहाँ पर एक तो 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 है और एक 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 है। तो फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट जो होगी इसकी या तो 4 होगी या फिर इसके बाद में 6 होगी। देन फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको ये 10th डिजिट को इग्नोर करना है। देन फिर उसके बाद में जो 31 है, अब आपको ये देखना है कि 31 में 5 के और 6 के स्क्वायर के बीच में, तो आपको छोटे वाला नंबर लेना है, तो यहां पर आएगा 5। तो फिर अभी यहां पर क्या होगा, या तो 54 होगा या फिर इसका आंसर 56 होगा। तो अब ये कैसे डिसाइड करना है, आपको ये करना है 5 के आगे जो नंबर आते वो आते हैं आपके आगे आते वो आते 5 के आगे आते 6 आते, तो ये होता है 30। देन 31 इससे बड़ा है तो यहां पर क्या होगा, 56 इसका आंसर होगा। अगर बड़ा नंबर है तो उसके अंदर बड़ा लेते हैं, अगर छोटे तो छोटा नंबर लेंगे।